रियासत कर्नाटका में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तक 40,000 से जायद मरीज इसका शिकार हुए हैं। इस सिलसिले में बात करते हुए रियासती कांग्रेस के सदर डीके शिवकुमार ने येदियुरप्पा हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। शिवकुमार ने अफसोस का इजहार किया कि आज तक येदियुरप्पा समेत हुकूमत के किसी भी वजीर ने किसी भी अस्पताल का न दौरा किया और न ही कोविड के किसी मरीज से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वबा से पैदा हुए इस पेचीदा सूरत हाल में वो निजी अस्पतालों को एतमाद में ले, न कि उन्हें धमकियां दे। टुडे वी आर सीन दैट कर्नाटका इज फेसिंग ए वेरी बिग क्राइसिस। टुडे द ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैव गिवन वेरियस स्टेटमेंट्स थ्रेटनिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। I appeal to the government, you can't threat them, take them into confidence, give them confidence, give them strength. None of the ministers or the deputy commissioners or any important senior officials, including the health department, have visited the hospitals, COVID hospitals. None of them have met any patients. They doesn't know the problem of the patients. You can't take the work by threatening them. And here we have allowed them to collect very huge amount from the patients. The government of Karnataka is capable of paying every pay to these patients. None of them got from their own. It is the government. It is responsible for spreading this disease. So the entire cost of the patients treatment should be borne by government of Karnataka itself, either it is in private hospital or it is in the government hospital. This is my sincere urge, demand to the government that not even a single rupee should be collected from any of the COVID patients in the state. इस सिलसिले में ईटीवी भारत से बात करते हुए कर्नाटका कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद ने बताया कि रियासती बीजेपी हुकूमत तुगलक का रवैया अपनाए हुए है और अपोजिशन की तजावीज इनके नजदीक कोई मायने नहीं रखते। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल फेल इन टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कोविड कोरोना। पिछले चार महीने से कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत दी, उनको पूरा सपोर्ट किया इस गवर्नमेंट को कोविड के खिलाफ, लेकिन एक गवर्नमेंट जो है बिजी रहे परचेजिंग में, बिजी रहे करप्शन प्रैक्टिसेस में, और बिल्कुल इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सर, जैसा आपने बताया कि नाकाम है, तो कामयाब होने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? उनको पहले लोगों में कॉन्फिडेंस लेके आना बहुत जरूरी था। आज बेंगलुरु की जो हालत है, कई हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और लोग मरते जा रहे हैं और डेथ रेट इंक्रीज हो रही है। हम लोग पिछले चार महीने से जो बोलना है बोलते जा रहे हैं, ये हमारी एक बात भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी मनमानी कर रहे हैं। ये हमने एज ऑपोजिशन प्रेसिडेंट शिवकुमार जी, सिद्धरामैया जी, सारे लीडरों ने हमने बहुत अच्छे सुझाव दिए उनको, लेकिन ये बिल्कुल ये अपने तरीके चला रहे हैं और सिर्फ ये परचेजिंग में बिजी हैं, सैनिटाइज परचेज में, ग्लोव पर्स में, क्योंकि उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं करप्शन में। तो बिल्कुल हम आने वाले दिनों में इसके बारे में लोगों को हम बताएंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।